बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक ठाक हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं भैया? वी आर गोइंग टू दुबई मॉल। दुबई मॉल आज हम लोग जा रहे हैं, दुबई मॉल। बच्चों की छुट्टी है ना, है थ्री डेज की, फ्राइडे सैटरडे संडे है ना। तो आज टुडे इज सैटरडे। हाँ, तो कहाँ जा रहे हो आप? चलो हम भी तैयार हो गए और ये भी तैयार बैठा है। और ये सेब और बनाना भी इसी के अंदर काट लिए, तो ये साथ में लेके आता है बच्चे को, कोई भूख भूख लगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो जी, मेरा बैग कहाँ है? या अल्लाह, शर्म आ गई, शर्म आ गई। गुड़िया कहाँ? छुप गई गुड़िया, मैं इस साइड पे बैठ गई। चला की करी जल्दी। अच्छा, ये गुड़िया की, गुड़िया की जगह है ये, तो पता नहीं गुड़िया की जगह है। सिकुर मिलता है, पता नहीं तैसे हमने कहा, तैसे ने कहा जैसे जो है ना शीशा, वो नहीं लेकिन मैं ग्लासेस नहीं, मुझे पता था कि वो एसी तो ऑन होगा क्योंकि दिन का टाइम है। अच्छा, मैं शीशे की वजह से बैठा था कि शीशा मुझे पता था कितने में चलेंगे यानी खुलेंगे। मौसम अच्छा हो गया वहाँ पर, अभी ये एसी ऑन हुआ हुआ है ना, तो मतलब लग रही है, हवा लग रही है, बट अगर दिन होता है ना तो फिर बहुत गर्मी लगती है। हैदराबाद में मेरी जगह यही है बैठने। सबको नींद आ रही, वो जब हत्ता कहते आते पूरे रॉक थे। हमारे साथ ही रहते हैं बचपन से। जहाज उड़ा था ना तो ये बोल रहा आने की कमी। अच्छा, याद कर रहा था अंकल को। चुप बैठे हैं, आज क्या हो गया? नाश्ता करके नहीं आए थे? ये मौका था, सोच रहे हैं क्या करना आगे। जब गाड़ी से चलते हैं जब पता चलता है ना गाड़ी में। हाँ, अभी कुछ उछल कूद की जगह नहीं है ना अभी। मैंने फुल करा हुआ है, पीछे भागता सही, गाड़ी में भाग रहे। तो गाड़ी में भी यही होता है, गाड़ी में भागते हैं जो अभी बैठे हो ना, यहाँ से मारते सीधा। यही मस्जिद है, तू बैठा होता ना आगे पीछे। चार्जर भी अच्छा खूबसूरत है। There are seven Emirates in the UAE. Sharjah for Jeddah, Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah. Seven Emirates in the UAE. There are seven places to go in the UAE. There are seven Emirates to go in the UAE. सात मतलब सेवन सिटी है इसमें है? अच्छा, वो सब इसी में आते हैं दुबई में? सेवन अबुधाबी कैपिटल है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो बिलेंगे सात, हर जगह लेट ना होता है इनको, अपनी तैयारी कर चुट हो गई वो। Thank you.
बना ली थी पार्किंग की, जो लिखे होते हैं ना इनमें नंबर, तो आशिक को भी यही बता रहा था कि मैं एक दफ़ा भूल गया नंबर, और इतने कितना कहाँ तक है, V12 तक है, और गाड़ी यहाँ पर अगर आपने याद नहीं रखा ना तो एक एक गाड़ी ढूंढने में आपको बहुत यानी मतलब पूरा दिन ही गुजर जाएगा, आपको अपनी गाड़ी नहीं मिलेगी जो आपने पार्क करी है ना, गार्ड से पूछो, उससे पूछो, हाँ बहुत भी मसले होते, तो अपना नंबर याद रखें, जब कैमरे में चेक करेंगे कहाँ गाड़ी, हाँ कैमरे में, उसमें बहुत भी टाइम लग जाता है, जहाँ भी पार्क करें तो नंबर जरूर याद रखें, कहाँ आए बच्चे, आ गए जी दुबई वहाँ, यहाँ पे आपको पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे और हर किसी के लोग मिलेंगे और हर चीज़ मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन जगह है फैमिली के साथ आने के लिए। अभी हम जा रहे हैं अंदर, और मुझे अपने हस्बैंड की बच्चे की बहुत याद आ रही है जो नहीं आ सके, बॉस अरे बोल करेंगी, उनको पकड़ना है, इसको यहाँ से क्या नजर आ रहा है, जो हमारे नजर आ रहा है डीए में से। अब दुनिया बच्चों के हाथ में है, चाइना बाजार बनाती है, दुबई मॉल में पीछे जो सारा चाइना बाजार बनाया हुआ है ना, और गरीब से हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बच्चे को भी इंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ रिया आसिफ भी है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, साथ के पहले हम लोग बहुत घूमे थे, तो ये ना ये गोद में चढ़ के बैठ गई, बच्चे मेरे साथ हैं, बच्चे को परवाह ही नहीं है, इनकी मम्मी है और बाबा कहाँ पर है, आइसक्रीम नहीं वो खाएंगे, फ्राइज फ्राइज खाएंगे, कहाँ गए हैं, आइसक्रीम चॉकलेट बहुत ज़बरदस्त चॉकलेट, तो दुबई मॉल में हम अबाय की शॉप पे गए जहाँ पे इतने ज़बरदस्त अबाय थे और फैब्रिक इतना अच्छा था ना, यानी असली जो निदा कपड़ा होता है ना वो हमने यहाँ पर देखा, तो सारे ही एक से एक बढ़ के डिज़ाइन थे, तो हम लोग आगे निकल गए थे मगर फिर जो है ना हम लोग वापस पलट के हम उस शॉप पे गए, और यहाँ पर एक साहब यहाँ पर बैठ कर अपनी वाइफ के लिए अबाय ले रहे थे, जो मुसलसल लाइफ में जाकर उनको दिखा रहे थे अबाय और उनको पसंद करवा रहे थे, तो नेट से हमें ये भी सहूलत हो जाती है कि अगर हम कोई किसी के लिए गिफ्ट ले रहे हैं तो हमें जो है चॉइस करने में आसानी हो जाती है, कोई भी किसी के लिए गिफ्ट ले रहे होते हैं उनको दिखा कर उनको पसंद करवा कर हम लें, तो यहाँ पर मैं जो है ना अबाय पहन कर देख रही थी और इतना अच्छा इसका फाइन और ठंडा कलर लग रहा था ना, बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये ले लूँ, 1.5 लाख का अबाया था मगर मैंने कहा नहीं, 1.5 लाख का अबाया बहुत ज़्यादा यानी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अबाया तो ऐसा है कि हम एक ही चीज़ नहीं ले सकते, और भी चीज़ें होती हैं, मगर ये पहन करना वाकई अरबन लुक आ रही थी, और ये जो है ना थोड़ा लेंथ में मुझसे ज़्यादा था, यानी वो अरबन जो औरतें होती हैं उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा, उनकी हाइट बड़ी होती है यानी लंबी होती है, और काफ़ी जो है ना नीचे था, तो कहने लगी नहीं हम स्टिच करके इसको आपको फिट जो है ना वो करवा देंगे, मगर फिर ये हुआ कि हमने ये अबाय नहीं लिया, और फिर हम लोग बस यहाँ पर ना ट्राई कर रहे थे, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप ट्राई करें, मैं नहीं पहन रही थी ये, और यहाँ की जो
और ना थी ना ये मुझे बस मुझे ज़बरदस्ती कह रही थी कि आप अब आए पहन कर आप ट्राई करें। तो अभी हम लोग बस वहाँ से निकल कर हम लोग आगे जा रहे थे और यहाँ पे सारे वुड के टॉयज थे, मिकी माउस से लेके सारी जो भी जो करेक्टर थे ना, सारी ये कहानियों के करेक्टर थे जो हमने भी पढ़े हैं और सारे मतलब वर्ल्ड में भी जो है ना ये कहानियाँ बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। तो यहाँ जिस सब एक एक चीज़ देख के ना हमें हर कहानी याद आ रही थी। और ये जो आदमी खड़े हुए ना, इनके हाथ में ये कठपुतली थी ना, इस तरह से ये पहले ये जब हम छोटे से थे इस तरह से कठपुतलियों के जो है ना तमाशे दिखाए जाते थे जो ये दिखा रहे थे यहाँ पर, ये भी लकड़ी का था। तो बस हर चीज़ की एक महारत होती है, एक फ़न होता है। और बहुत ही छोटी शॉप पे बहुत ही अच्छे जो है ना इन्होंने सजाया हुआ था। झूठ बोलोगे नाक लंबी रही। देखिए झूठ का बनाया हुआ इन्होंने ये जो है ना, हाँ बेचारे वो जो दे रहे हैं क्या बोलते हैं कठपुतली है ना, हाँ इस तरह की वो होती है के बने हुए हैं सारे वुड के, ये क्लॉक्स हैं। अरे वाह सही कहानी है इसकी। प्लीज डोंट टच, इतनी लंबी नाक वो देखो बच्चे बच्चे उदम करते हैं ना उनकी नाक लंबी हो जाती है। घर में जो बड़े होते हैं ना उनका यही किरदार है कि अपने बच्चों की अच्छी तबीयत करें और उनको बुराई से बचाने के लिए इस तरह की जो है ना बातें बताएं कि देखो गुना होगा वो बता जो झूठ बोलेगा कान लंबे जाएंगे नाक लंबी जाएगी। तो वो ये इस तरह से जो है ना बच्चों के दिमाग में बातें बैठती हैं। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पर बच्चों के चॉइस जो थे वो देख कर। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ और माशाल्लाह इतनी रौनक हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ख़ासतौर पर जो आसिफ साथ है बच्चे साथ हैं ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें नज़र आती है ना, सिर्फ बहुत ही अच्छा लगता है, हमें दिमाग फ्रेश होता है। तो जी ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मकड़ी के जाल बनाए और ये चुड़ैलें लटकी हुई। क्या कर रही अल्लाह तो दिखा तो सही ना गुड़िया के पास करो तो कि जोड़ी कैसी लग रही है, जोड़ी कैसी लग रही है। दरख्त बना हुआ ओहो चीज है किचन किचन ये वो ना फाइल ढूंढ रही है कहाँ है बाबा
हल्के ड्रेस सारे भाई क्या प्राइस है स्पाइडरमैन के? देखिए जरा इसके मास्क के। अरे दिखाओ तो, इधर लिखे हुए थे 55। इसमें लाइट वाला नहीं है ये, है ना? स्पाइडरमैन की ड्रेसेस, हल्के ड्रेसेस, ये किसका ड्रेस है तहसीन? ये वाला किसका ड्रेस है? गुड़िया किसका है? ये क्या है तहसीन भाई? ये क्या है? ओहो, हैरी पॉटर की एल्बस, रॉन, लूना, सेवा, ऐसी इस टाइप की स्टिक होती है ना, अलग अलग यूज किए ना इन्होंने, वो वाली सुपरमैन कैप लगा ले भाई। अरे बिल्कुल भाई लग रहा है तुम सच्ची भाई। रिमोट गाड़ी चेक करने के लिए ना इन्होंने बनाया हुआ है, रोड टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है, इससे आप गाड़ी अगर ले रहे हैं तो, ये जो गाड़ियाँ ले रहे हैं तो यहाँ पे चेक कर लें। बोलने वाला कैमरा है, बच्चों के पास छोड़ दो इसको। ये कुछ ऐसा ह्यूमन लाइक पर्सनैलिटी। काफ़ी देर हो गई थी हमें यहाँ पर इस मॉल में आए हुए, मगर टाइम का पता नहीं चला था और इतना बड़ा मॉल है ना ये, यहाँ पर अभी हमने एक हिस्सा भी इसका नहीं हमने देखा। और ऑफ़र लगी हुई थी, यानी अगर ये आप एक चश्मा लेंगे ना तो इसमें एक फ्री था, तो फिर मैंने बाद में देखा और दिल तो कर रहा था कि हर चीज़ ही ले लो, मगर ये कि हर चीज़ को ले कर जाना और फिर उसको रखना भी जो है ना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे भूख लग रही थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो अलबेग खाते हैं। तो तकरीबन एक घंटे लाइन में लगने के बाद फिर ये हमें अलबेग मिला, तो मैं ही लाइन में लगी हुई थी। मैंने कहा तुम आसिफ से, मैंने कहा बच्चे साथ में हैं तो उनको लेके टेबल पर बैठ जाओ, मैं फिर जो है ना लाइन में लग के जो है ना ये ऑर्डर ले लेती हूँ। तो बच्चे यहाँ पर बैठ कर अभी हम खाने का वेट कर रहे थे, और ये अलबेग जो है ना
तो बस ये है कि इसके प्राइस भी सही है और दूसरा टेस्ट में भी अच्छा है, मगर ये इतने शौक से खाया जाता है ना। अगर अच्छा, हमने पहले जो है हमने ब्रोस्ट लिए थे, ब्रोस्ट इतने अच्छे मुझे नहीं लगे जितने अच्छे नगेट्स थे। और सामने स्टाल पे हमारी जो है ना, हमारे पीछे ही बना रहे थे, चाइनीज़ फूड था, तो हर चीज़ आपको यहाँ पे आके मिल जाएगी, यानी चाइनीज़ फूड, पाकिस्तानी, इंडियन और बर्गर शर्गर जो भी होता ना, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक से बढ़ के एक टेस्ट भी था और फ्रेश सब कुछ जो है ना वो बना रहे थे। तो हमने तो बस नगेट्स लिए थे और इसके बाद हम लोग अभी घर जाने के लिए हम लोग अभी चलने लगे थे। तो यहाँ पर जी अभी हमने एक साइड देखा, अभी हम फाउंटेन की तरफ अभी हम नहीं गए क्योंकि अभी जो है ना मॉल के बंद होने का टाइम हो गया था, 12 बजे जो है यहाँ पे सारे मॉल बंद हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर वाशरूम आए थे और वाशरूम भी यहाँ पर इतने ज़बरदस्त बने हुए ना कि बस किसी भी चीज़ को टच करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर हैंड वॉश और पानी वगैरह बगैर हाथ लगाए जो है ना आ जाते हैं, तो ये जर्म्स वगैरह लगने के कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पर सफाई का इतना ज़्यादा यहाँ पर ख्याल रखा जाता है ना, मैं कहती हूँ घर से ज़्यादा सफाई यहाँ के वाशरूम में थी। तो यहाँ पर भी अभी जाते जाते फिर यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ था कि आपको यहाँ की सर्विस कैसी लगी, तो मैंने यहाँ पर गुड पे साइन करके मैं आ गई थी। और अभी हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, तो जाते जाते बच्चों ने कहा कि हमें यहाँ से ना कुछ पानी और कुछ चिप्स वगैरह जो है ना वो चाहिए। तो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो यहाँ से हम ना बच्चों को चिप्स वगैरह जो है ना वो निकाल के दे रहे हैं। बस ये एक बच्चों को शौक होता है कि हम अपने हाथ से टोकन डालें। तो मैंने आसिफ से कहा कि यहाँ की कॉफ़ी जो है ना वो ट्राई करते हैं। तो मैं ये देख रही थी कि कॉफ़ी यहाँ से किस तरह निकलेगी, यानी सारी कॉफ़ियों के टेस्ट थे, यानी कैफे चीनो और सारी कॉफ़ियाँ थी इसके अंदर। तो अभी यहाँ पर जो है ना हमने कॉफ़ी का बटन दबाया है, तो तहसीन कह रहा था कि गिलास कैसे आएगा और कॉफ़ी कैसे आएगी, तो बस ये ऑटोमेटिक मशीन है और मैं कहती हूँ कि इंसानों से अच्छी काम कर रही है ये। तो बस हमने जैसे ही टोकन यानी मतलब आसिफ ने तो सिर्फ कार्ड स्क्रैच किया था, और यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम ही जो है इस मशीन की कॉफ़ी पीऊँगी। और ये सब कुछ आ रहा था कि अभी जो है ना कॉफ़ी बन रही है हमारी, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर कोई इंसान बैठा हुआ है और वो कॉफ़ी बना रहा है। तो बस ये जदीद दौर है, यानी 2023 जो है वो भी जा रहा है, अब आने वाला दौर कैसा आएगा, जो नई जनरेशन है वो अल्लाह ही जाने वो कौन सा दौर होगा। तो यही मैं यहाँ पे खड़े होकर सोच रही थी कि ये हमने कभी ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि बस मशीन में इस तरह का भी सिस्टम होगा कि बटन दबाएंगे और यहाँ पर जो है ना देखें कॉफ़ी निकल आई। और यकीन करें ये इतनी अच्छी कॉफ़ी बनी हुई थी ना कि बस पीकर जो है ना मज़ा ही आ गया। और सब ने ही थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी भी शेयर करके, तो अच्छा लगता है जब कोई चीज़ होती है ना और हम लोग सब मिलके शेयर करते हैं, उसको ट्राई करते हैं, तो अच्छा लगता है, इससे मोहब्बत भी बढ़ती है और मज़ा भी आता है। ये नहीं है कि आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो आप इतना पूरा कप ही पी लें और अपना पेट भर लें, बस ये एक टेस्ट के लिए होता है। अभी कोई इतनी स्टंट भी नहीं है जो कॉफ़ी का इतना दिल करे, वैसे मैं कॉफ़ी जो है बहुत कम पीती हूँ। आ जाओ भाई, अब हम जा रहे हैं घर, बहुत थक गए। इसने बहुत तंग किया है। तो जी आज की वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।